नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो स्वामी जी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी घर बनाते हैं, और जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि ऐसा क्या करें कि हमारे घर का वास्तु ठीक हो, ऐसा क्या करें कि कुछ भी चीज़ हमारे घर में गलत ना हो, हम ऐसा क्या करें कि हमारा घर वास्तु के अनुसार बने, घर में सुख शांति हो। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आचार्य केएन जोशी जी, जो वास्तु एक्सपर्ट हैं और जो आपको वास्तु से रिलेटेड सलाह देंगे। नमस्कार है सर, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आदित्य जी, पुनः अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। बिल्कुल सर, फैंस का बहुत ज्यादा वो था कि आपको बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ astroswamiji.com के सारे आपके दर्शकों को भी। बिल्कुल, आज का जो आपका सब्जेक्ट है वो काफी क्यूरेटिव है जी। और हर व्यक्ति चाहता है कि वास्तु उसके जो उसका घर हो एज पर वास्तु हो। बिल्कुल सर, जिससे कि उसको पॉजिटिविटी रहे घर में। तो बहुत सारे हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके दर्शकों के जो भी क्वेश्चंस हैं जी, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर उनको दिया जाए। बिल्कुल, और उनके जो कुछ भी उनके मन में आशंकाएं होगी उनका समाधान जी। बिल्कुल सर, यदि आप अपना घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं या कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यह एक पॉडकास्ट है जहां आचार्य जी वास्तु से रिलेटेड आपको हर एक इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये था कि ये वास्तु दोष होता क्या है बेसिकली, और इसका मतलब रीजन क्या होता है, क्यों होता है ये वास्तु दोष? देखिए, संस्कृत में जो शब्द बनते हो धातुओं से बनते हैं, माने कि ऐसे ही कुछ नहीं बोला जाता है, कोई मतलब होता है, है ना। किसी भी शब्द का कोई अर्थ होना संस्कृत में जरूरी है। बिल्कुल सर, तो वस माने कहीं पर बसना, वस धातु से वास्तु शब्द सिद्ध होता है, कहीं पर बसना कहीं पर रहना। ठीक, तो हमारे यहाँ हमारा जो जीवन पद्धति है, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हमारी जो जीवन पद्धति है वो पूरी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं है जी। तो हमारा जो रहन सहन होना चाहिए, जो वातावरण होना चाहिए, वो एक पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव वातावरण में रहोगे तो आपके विचार भी सकारात्मक होंगे, आप भी पॉजिटिव रहोगे, फैमिली में सब लोग अच्छे रहे। हाँ सर। और यदि आप नेगेटिव वातावरण में रहोगे, गलत लोगों के बीच में रहोगे, गलत समाज में रहोगे, उसका थॉट्स, उसका इफेक्ट, और उससे कहीं भी आप आगे नहीं बढ़ सकते जी। बिल्कुल, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते उससे। वही है ना, जैसे समाज में रहते हैं वैसा असर पड़ता है हमारे ऊपर। तो वास्तु का पूरा जो एक समायोजन है जी, वास्तु का पूरी जो एक मतलब कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो एक पॉजिटिव जगह पर रहने के लिए, जिसमें कि हमारे घर में जो सोने के कमरे हो कहाँ हो जी, बिल्कुल है ना, और हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो किधर होने चाहिए, कहाँ हमें बच्चों के स्टडी रूम बनाना चाहिए, हमारे घर में वाटर टैंक कैसे होना। तो ये हर एक चीज को वैज्ञानिक तरीके से, जिससे कि जो सनलाइट है वो भी हमें प्रॉपर तरीके से मिलती रहे जी, इसके साथ जो हमारे कमरे हवादार बने रहे। बिल्कुल सर, है ना। तो ये सारा जो अध्ययन किया जाता है वो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सर, पता कैसे चलेगा कि घर में वास्तु दोष है या नहीं है? बिल्कुल आदित्य जी, आपका जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तु के बारे में हर कोई बात करता है जी, वास्तु दोष के बारे में भी हर कोई बात करता है। बिल्कुल, लेकिन घर में वास्तु दोष हो रहा है, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ये कैसे पता करें, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल सर। तो देखिए, हमने आप जब अमूमन आप घर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि देखिए, कुछ आप कहीं जाते हैं, कहीं आप देखते हैं किसी, आप अच्छे 5-star 7-star होटल में देखते हैं, तो अधिकतर लोग जो है वास्तु के कॉन्सेप्ट को आजमाते हैं। हाँ, है ना? आप किसी मंदिर में जाते हैं जी, तो जो प्राचीन काल के जितने भी मंदिर है वो सब के ऊपर 100% वास्तु के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। हाँ सर, बिल्कुल तो, होता है ना। तो आप जब जाएंगे तो उसका एक बड़ा सा गेट होगा जी, है ना। अब जबकि वो जो मंदिर है वो आज से 1000 साल पहले बनाया गया जी, है ना, लेकिन 1000 साल बनाने के बावजूद भी, जबकि उस समय उतनी आबादी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके गेट इतने बड़े हैं कि आज की आबादी को भी, जबकि भारत की जो आबादी बताई जाती है कम से कम 150 करोड़ बिल्कुल ऐसा ही आबादी है, और उसमें हिंदू लोग बहुत हैं जी, है ना। तो अब हर किसी को जाना होता है,
तो वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो आसानी से जो है वो वहां पर इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो मंदिरों के जो गेट होते हैं वैसे ही काफी बड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी भीड़ आज के डेट में हमारे यहाँ मंदिरों में होती है, लेकिन फिर भी उनको इतना बेहतर तरीके से बनाया गया है। और एक तो आपने एक वाक्य आपने वास्तु के बारे में सुना होगा कि भगवान केदारनाथ जी का जो मंदिर है हमारे जो है कि उत्तराखंड में, भारतवर्ष में चार धाम में एक है जी, तो बहुत बड़ी तबाही उस मंदिर ने झेली। और वो बताया जाता है कि जो केदारनाथ जो जगह है वो दलदली भूमि के ऊपर है, मतलब दलदली लाइक जिसमें लोग दलदल कहते हैं कि जो ऐसी जमीन जो जिसके अंदर स्थायित्व नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, जो अच्छा, कोई चीज यदि भारी चीज हो तो अंदर घुस सकती, अंदर जा सकती है, अंदर घुस सकते, इस भूमि को दलदली कहते हैं। ऐसी जगह पर होने के बावजूद भी और बहुत भयंकर जो है कि प्राकृतिक मार झेलने के बावजूद ऐसा भी कहा जाता है कि 400 साल तक तो बर्फ के नीचे केदारनाथ जी का मंदिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लेश मात्र का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। 2013 में तो बहुत बड़ी तबाही आई। तो ये 100% वास्तु के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है हमारे यहाँ प्राचीन मंदिरों में, हमारे घरों में। तो यदि आपने अपने घर में वास्तु के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अपनाया है, 100% अपनाया है, वह घर सुरक्षित होगा आपके आज के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी परिवार में, आप में, और आप प्रोग्रेस करोगे। यही वास्तु का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यदि आपने नहीं किया है तो फिर आप जैसे ही घर के अंदर जाएंगे तो आपको घर में होच पोच मिलेगा, थोड़ा सरदर्दी टाइप की, सरदर्द होगा। बहुत लोग हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि घर के अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि शरीर पे कुछ वजन है, बिल्कुल सर ये होता है, वेट हेडेक हो गया, बिल्कुल सर ये चीज है ना, इस प्रकार की चीजें लोग फील करते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि घर के अंदर घुसते ही आपको हेडेक आ रहा है, इसका मतलब वास्तु दोष है। आप घर के अंदर डायरेक्ट सीधा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कमरे हवादार नहीं है, घुटन हो रही है, घर के अंदर जाते ही घुटन हो रही है, बिल्कुल है ना, घर के अंदर जाते ही सीलन है, बदबू आ रही है, बिल्कुल सर ये चीज होता है, ये सारे वास्तु दोष आपके घर में है, ये उस चीज को इंगित करते हैं। सर जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी चाहिए? देखिए आदित्य जी, जो हमारा घर हम निर्माण करते हैं जी, तो घर निर्माण में बहुत सी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। बिल्कुल, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार जो चीजें होती है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जहां पर आप अपना घर बना रहे हैं, जिस भी प्लाट के ऊपर, खाली प्लाट जो कुछ भी है जी, तो सबसे पहले तो भूमि की परीक्षा उसमें बताई जाती है कि भूमि का हम परीक्षण करें, भूमि ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, हमारा प्लाट जो है सम्यक होना चाहिए, चारों तरफ से समतल होना चाहिए, उसमें कोई कोने ओने नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि जब तक आपका प्लाट सही से नहीं होगा जहां पर आप भूमि का निर्माण कर रहे हैं, तो आप उसमें अच्छा घर नहीं बना सकते जी। बिल्कुल, यदि प्लॉट ही तिकोना है तो आप उसमें स्क्वायर घर कैसे बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो है ना। तो सबसे पहले तो भूमि की परीक्षा है कि भूमि सर्व प्रकार से सही होनी चाहिए, उसके आगे कोई ऐसे जैसे पीपल का पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है, कोई बहुत बड़ा मंदिर जी, कहते हैं कि इनकी जो छाया होती है वो वास्तु दोष उत्पन्न करती है, कोई बहुत बड़ा खंबा नहीं होना चाहिए, बिजली कोई का, बिजली का टावर, कोई टेलीफोन का टावर वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो छाया होती है वो कहीं ना कहीं हमारे घर की तरफ आने वाले प्रकाश को रोकती है। ठीक है ना, जो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, क्या है कि ये दिन में तो आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन देते हैं जी, लेकिन रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये तो साइंटिफिक भी है। तो यदि आपका घर उनके जस्ट पास में है तो उसका आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल है ना। ये फिर आपके मकान के आगे किसी ने बहुत बड़ा टावर खड़ा किया हुआ है, हाँ बिल्कुल, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम बिल्कुल होगी। तो सबसे पहले तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए, भूमि की परीक्षा होती है, भूमि के परीक्षण के वास्तु में कई प्रकार की चीजें बताई गई, आप उस भूमि को देखिए, है ना। अब जो आप भूमि खरीदने का, ये ना हो कि उसमें सारा कूड़ा कचरा, या फिर कभी कभी उसमें पहले कभी शमशान कब्रिस्तान, ये भी चीजें होती हैं, ये सब भी चीजें होती है, ये तो सुना था मैंने। तो इन सब चीजों का पहले भूमि की परीक्षा होती है जी, जो जमीन हो उसकी खुदाई करें, वहां पर पानी भरे, है ना, ठीक। तो ये सारे उसके तरीके हैं कि वो पानी कितनी देर में खत्म होता है। एक उसका साधारण सा तरीका उन्होंने ये भी बताया है प्लाट को देखने के लिए, कि आप एक खड्डा खोदिए, वहां से मिट्टी बाहर निकालिए और फिर वही मिट्टी उसमें वापस भरिए, तो यदि वो मिट्टी थोड़ी सी बच जाए जी, तो इसका मतलब ये है कि वो भूमि सही है, सही है, है ना, ठीक है। और यदि मिट्टी बराबर हो जाए तो फिर वो मीडियम है, और यदि मिट्टी बिल्कुल उस गड्ढे में ही पूरी समा जाए तो इसका मतलब है वह जमीन अच्छी नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि यदि वो जमीन टाइट है इसका मतलब ये होता है साइंटिफिकली, यदि वो जो प्लाट है यदि वो काफी समय पुराना है, उसमें मिट्टी भरी नहीं गई है, ऊपर से नहीं डाली गई है, तो इसका मतलब है कि वो सही है। और यदि किसी ने उसके ऊपर सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है या नई मिट्टी डाली हुई, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फाउंडेशन के लिए, आपके मकान के लिए वो शुभ नहीं हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो हो गई भूमि की परिक्रमा जी। उसके बाद जब हम ऊपर का घर बनाते हैं तो हमें किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, हमें उसको दिखाना चाहिए कि हमारी एंट्री कहाँ से हो, और उसमें जब हम वास्तु की पूजा करेंगे तो हम कौन से साइड में करेंगे, है ना। हाँ सर, जो ग्रह तो जो घर का जो मालिक होता है उसकी जो राशि होती है, जो नाम राशि होती है, उसके अनुसार ही उसका वास्तु सेट किया जाता है। ऐसे ही वास्तु सेट नहीं किया जाता, मतलब जो मालिक होता है उनके नाम के अनुसार। हाँ, जिनके भी नाम घर हो, जो मुख्य है घर के, तो उनके नाम के अनुसार उसके अनुसार ही सारी बातें। बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के, और ये मैंने पहली बार सुना है खुद भी। सर इसका मतलब तो बिल्कुल कंफर्म है कि जब भी हम अपना घर बनाएं तो वास्तु एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए हमें। बिल्कुल, ये तो एकदम क्लियर बात है कि देखिए, हम मान लो हमें कोई अपना ऑपरेशन कराना है जी, बिल्कुल, तो हम एक्सपर्ट के पास ही जाना बिल्कुल जाएंगे सर, हम किसी ऐसे को तो नहीं बोलेंगे लावे मेरा ऑपरेशन कर। हाँ ये भी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यदि हमें कोई भी चीज को हम बेहतर चाहते हैं, अच्छे से अच्छा परिणाम चाहते हैं, तो हमें एक्सपर्ट के पास तो जाना ही चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए सर। यदि हमें कुंडली बनानी है तो हमें एस्ट्रो एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। यदि मेडिकली प्रॉब्लम है तो हमें मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। यदि वास्तु हमें अपना घर बनाना, घर व्यक्ति हमेशा हमेशा नहीं बनाता, एक ही बार बनता है सर, घर लाइफ में एक टाइम। बिल्कुल सर, एक ही बार बनता है, और पूरे जीवन की मेहनत लगती है घर बनाने। बिल्कुल। और व्यक्ति घर जो है ना, एक सपनों का घर होता है। बिल्कुल सर, है ना, घर हो गया, विवाह हो गया, ये एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति मतलब पूरे जीवन इनके लिए मेहनत करता है। हाँ, बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसके बाद जो है घर बनता है, और उसके बाद भी पैसा भी लगता है, आदमी की पावर भी लगती है, आदमी का माइंड भी लगता है। बिल्कुल। तो यदि हम उसमें वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। हमें देखिए, कई बार क्या होता है कि आदमी करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी सेटिस्फैक्टरी मकान नहीं बना पाता है। हाँ सर, सब कुछ बनने के बाद भी उसमें चीजें रह जाती है। तो यदि आप एक ऐसे आर्किटेक्ट का आप उसमें हाथ रखेंगे जिसको कि वास्तु की भी नॉलेज हो, या फिर आप वास्तु एक्सपर्ट को उसमें जरूर आप समय देंगे, बिल्कुल, तो उसमें आपको काफी पॉजिटिविटी रहेगा। आप जो कुछ भी बनाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और आपके लिए, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, क्योंकि घर एक दो दिन के लिए नहीं बनाए जाते, एक दो महीने के लिए भी नहीं बनाए जाते, घर तो सालों के लिए बनाए जाते, बिल्कुल, पीढ़ियों के लिए बनाए जाते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पुराने भाई, जितने भी हमारे मंदिर हैं, या पुराने आप बड़े बड़े किले देखते हैं, बिल्कुल, या पुरानी हवेलियां देखते हैं, तो क्योंकि उनमें वास्तु के कॉन्सेप्ट को अपनाया था, उन लोगों ने वास्तु एक्सपर्ट से सलाह ली थी, तो बाकी घर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन पे अपनाया गया वो आज भी हजार साल के बाद भी वो वैसे के वैसे खड़े। बिल्कुल सर, तो ये तो एक्सपर्ट की एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर किसी का घर दक्षिण मुखी हुआ तो उसको क्या करना चाहिए, और ये दक्षिण मुखी घर होता क्या है बेसिकली? देखिए, दक्षिण मुखी घर, शेर मुखी घर, गोमुखी घर, ये वास्तु के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग नाम है, नाम है जी, है ना। यदि आपका जो घर है जी, उसका जो एंटर है, जब आप घर के अंदर खड़े हैं, घर के अंदर, घर के बीच में, जिसको कि ब्रह्म स्थान कहा जाता है, घर का जो सबसे बीच का क्षेत्र होता है उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। ठीक। तो जब आप ब्रह्म स्थान पर खड़े हैं घर के बीचों बीच, तो जो आपका घर का एंट्रेंस है जी, बिल्कुल, यदि वो ईस्ट की तरफ है तो हम उसको ईस्टर्न या फिर पूर्वाभिमुखी घर कहेंगे। ठीक है। यदि आपके वहां से सनलाइट, मतलब यदि आपका जो फेस है, मकान का जो फेस है, वो नॉर्थ की तरफ है जी, तो उसको उत्तर मुखी घर कहेंगे, और यदि साउथ की तरफ उसका फेस है तो उसको दक्षिण मुखी घर कहा जाता है। ठीक है, है ना, आप समझ गए। लेकिन इसमें ईस्टर्न का घर भी बहुत सुंदर है, नॉर्थ फेसिंग वाला भी अच्छा है, वेस्ट फेसिंग का भी अच्छा है, लेकिन साउथ फेसिंग का एज पर वास्तु अच्छा नहीं माना जाता। वो क्यों सर? यदि मंदिर है तो वो बड़ा शुभ है साउथ फेसिंग, क्योंकि जो देखिए हमारे यहाँ वो इसलिए आदित्य जी कि हमारे मतलब यहाँ पे भारतवर्ष में जो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जो ये 10 दिशाएं हैं, वैसे दिशाएं कितनी होती है मुझे तो पता ही नहीं है, दिशाएं तो चार होती है ना। अच्छा, हाँ, चार होती है। लेकिन हमारे यहाँ हर एक चीज के ऊपर साइंटिफिकली उसके ऊपर माइक्रो रिसर्च किया गया है। ठीक है ना, वैसे दिशाएं पूरी दुनिया के लिए दिशाएं चार हैं। अच्छा, है ना,
नॉर्थ, अच्छा ईस्ट वो है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, लेकिन हमारे यहाँ दिशाएं दस हैं, इसीलिए उनको दशा दिशा कहते हैं, वो दस है। दस कैसी हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और वेस्ट तो हो गया, ये तो चार दिशाएं हो गई। इसके अलावा जो कोने होते हैं, कॉर्नर जिसको कहते हैं, कॉर्नर जिसको कहते हैं जी, तो ईस्ट और साउथ के बीच में जो पड़ने वाला कॉर्नर है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण, ईस्ट दिशा का जो स्वामी होता है वो ब्रह्मा हो या इंद्र होते हैं, आग्नेय कोण के स्वामी अग्नि होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है किचन हमेशा अग्नि कोण में बनाई जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं, जो फिफ्थ एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा यह संसार बना हुआ है, उनके अंदर बैलेंसिंग रखना, यही ये वास्तु का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम अग्नि में, जल में, भूमि में, आकाश में, वायु में बैलेंस रखें। कहीं ये तो नहीं हो गया कि आपके घर में जल ज्यादा आ गया तो फिर तो घर पानी में ही डूब जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अग्नि तत्व ज्यादा होगा तो घर में आग लगने की बहुत ज्यादा पोजीशन बन जाएगी। बिल्कुल सर, है ना, ये तो है। तो मतलब इन सब चीजों का बैलेंस भी घर के अंदर किया जाता है। बिल्कुल। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर है कि दक्षिणाभिमुखी क्या होता है, क्यों होता है दक्षिणा, जो दक्षिण की साइड है, दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज बताए गए, यमराज मृत्यु के स्वामी होते हैं। बिल्कुल, है ना, वह मतलब जो चीजें हमारे जीवन से जो चली जाती हैं, निकलने वाली चीजों को, है ना, वह उस चीज का स्थान दक्षिण की तरफ होता है। यदि आपका दक्षिण मुखी घर है तो कहीं ना कहीं आपके घर में बीमारियां, प्रॉब्लम्स, डेथ, बिल्कुल है ना, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं वो कंडीशन, और अचानक धन हानि हो जाना, पैसे चोरी हो जाना, चोरी हो जाना, ये सारी कंडीशन दक्षिण विमुखी घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार से होती हैं। बिल्कुल, इसका कुछ सॉल्यूशन भी है सर। अब बिल्कुल, अब आपने सही आपने प्रश्न पूछा कि क्या इसका समाधान है। तो हमारे यहाँ मतलब कि हमारा जो सनातन धर्म है जी, तो यहाँ पर जो हम वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद, है ना, अपना हमारे जीवन में कर्मकांड, हमारे जीवन की कंडीशन, तो इसमें बस प्रॉब्लम की बातें नहीं की गई हैं, समस्याओं की बातें नहीं है, सबसे ज्यादा बातें तो समाधान की है। हाँ, ये तो है सर। यदि प्रॉब्लम है, आजकल हम देखते हैं कि भाई यदि किसी के घर में वास्तु दोष है तो वास्तुशास्त्री पूरा घर तुड़वा देते हैं, दीवार तुड़वा देते हैं, देखिए उस व्यक्ति का कितना लॉस हो सकता है। बिल्कुल सर, जबकि हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान है जी। तो सबसे पहली बात है कि जो घर के मुख हैं उसका भी अलग अलग दिया जाता है, कि कुछ लोग होते हैं उनके लिए पूर्वाभिमुखी घर अच्छे होते हैं, कुछ राशि के लोग, जैसे कि भाई आपका नाम आदित्य है जी, तो आपके लिए जो यदि आपका घर ईस्ट फेसिंग होगा, पूर्वाभिमुखी होगा, आपके लिए बहुत अच्छा। लेकिन यदि किसी का नाम नितिन है, उसकी वृश्चिक राशि है, तो उसके लिए साउथ फेसिंग घर बहुत ही बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, है ना, डिपेंड ऑन राशि, डिपेंड ऑन योर नेम, योर राशि, योर प्लेनेट, बिल्कुल, योर प्लेनेटिक पोजीशन, घर के मुखिया का नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही घर का दरवाजा, घर की फेसिंग रहेगी तो बहुत अच्छी। बिल्कुल, कई घर होते हैं उनमें कई कोने होते हैं, बहुत लोगों के लिए वह बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए वही जगह, जो कि सबने जिस जगह को अवॉइड किया था, वही जगह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी शुभ भी हो जाती है। बिल्कुल सर, ये तो है। तो ये सारी जो चीजें होती है रिसर्च की चीजें होती हैं, ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं बोला जा सकता। ये नहीं है कि हर किसी के लिए साउथ बुरा है और हर किसी के लिए साउथ अच्छा है, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक लोगों के लिए साउथ अच्छा है और स्पेसिफिक लोगों के लिए साउथ बुरा है, लेकिन हाँ यदि मेजोरिटी में देखा जाए तो साउथ फेसिंग अच्छा नहीं होता है। ठीक है सर, तो हमारे दर्शकों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी सर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लेता हूँ कि मैं ना रेंट के मकान पे रहता हूँ, ठीक है, तो जो रेंट का मेरा मकान है उसके ओनर तो कोई और है, तो ये जो वास्तु का जो दोष है वो मेरे ऊपर पड़ेगा या मकान मालिक के ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये क्योंकि संशयात्मक क्वेश्चन है, बिल्कुल लोगों में कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो वास्तु का जो दोष है वो मेरे मकान मालिक के ऊपर होगा कि मेरे ऊपर होगा। बिल्कुल, तो इसमें क्लियर बात है कि यदि पेट दर्द हमारे है तो मेडिसिन भी हमें ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मकान मालिक का घर जरूर है पर उस घर में रहे तो आप रहे हैं जी, है ना। यदि आपने मान लो ब्लैक टी शर्ट आज आपने पहनी है, ब्लैक शर्ट आपने पहनी, तो ये थोड़ी देखेंगे कि ये ब्लैक कौन सी कंपनी की, रेमंड की है। बिल्कुल सर, है ना,
या फिर किसकी है? बिल्कुल मेन ये कि ये ब्लैक है, ब्लैक टी शर्ट है, कौन सी कंपनी ने बनाई है ये बात मैटर नहीं करेगी। बिल्कुल सर, कोई भी आपको देखेगा आदित्य जी आपने ब्लैक शर्ट पहनी है जी, यदि आप रेड पहनेंगे तो वो बोलेगा रेड रेड पहनी है। तो ठीक इसी टाइप से जिस घर में आप रह रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, जैसे वस्त्र आप पहन रहे हैं, जिस वातावरण में, उसका इफेक्ट आपके ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ समय के लिए यदि हिमाचल, उत्तराखंड या J&K चले जाएं, तो वहां की जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन लेस एनवायरनमेंट है, उसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। बिल्कुल सर, है ना। और यदि आप हमारे मेट्रो सिटीज में आ जाएं, तो वहां पर जो पॉल्यूशन है उसका इफेक्ट आपके ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पर रह रहे हो जी। तो अच्छे वातावरण में वास्तु वाले घर में रहने से उसकी पॉजिटिविटी आपको ही मिलेगी। इसका रेंट पे है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, हाँ इतना जरूर हो सकता है कि मान लो, जैसे कि अभी हमने बात किया कि भाई फलानी राशि का फलाना प्रभाव होता है, तो मान लो किसी घर में मकान मालिक के लिए कोई घर अच्छा नहीं था जी, क्योंकि उनकी जो राशि थी, उनका जो नाम था, उनके ग्रह उससे मैच नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। वो वहां पर परेशान थे जी। लेकिन आप आए, आपके नाम और राशि उससे मैच कर गए, तो वही घर जो मकान मालिक को बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे रहा था, आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है। मेरे लिए वो शुभ हो गया, फिर शुभ हो सकता है जी, ये बात हो सकती है। और यही कि मकान मालिक के लिए बहुत शुभ था, बट जब उसने किराए पर आपको दिया, आपके साथ मैच नहीं हुआ, तो उसके इफेक्ट आपके लिए नकारात्मक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अब अच्छे से ये चीज समझ आ गई है मुझे। जैसे सर मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो मेरे घर में फैक्ट्री में कौन सा सामान किस जगह पर होना चाहिए? मैं समझ रहा हूँ कि सामान से आपका मतलब है कि घर में कौन सी चीज कौन सी जगह पर होनी चाहिए, बिल्कुल, फैक्ट्री में कौन सी चीज कौन सी जगह, दुकान में कौन सी चीज कौन सी जगह पर जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसका आपको आंसर करना चाहेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारा वास्तु इसी के अंतर्गत आदित्य जी आ जाता है जी। मुख्य बात तो यही है कि घर में क्या कहाँ पर हो, वास्तु यही तो है, वास्तु और कुछ नहीं, कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो यदि आप अपना घर बना रहे हैं, अपने घर को बनाने की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप कर रहे हो, आपके दर्शक कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि घर बनाते हुए कुछ चीजें हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वास्तु, इनके आप वास्तु के मेन, आप इनको पिलर्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल, फोर पिलर भी कह सकते। तो सबसे पहला पिलर जो वास्तु का होता है वो एंट्रेंस होती है, जैसे कि आपने साउथ फेसिंग वाली जो आपने डिस्कस हुआ जी। बिल्कुल, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारा घर कौन सी फेसिंग है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट फेसिंग यदि घर मिलता है तो बहुत अच्छा है, वेस्ट फेसिंग भी अच्छा है। यदि साउथ फेसिंग किसी वजह से हमें अपना घर बन रहा है, तो हमें किसी वास्तु एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, या फिर हमें साउथ फेसिंग यदि हमारा घर बन रहा है तो हम उसको कॉमर्शियल में भी कन्वर्ट कर सकते, घर की जगह दुकान इत्यादि साउथ फेसिंग बहुत रख सकते हैं, मतलब इस चीज को। इसके साथ ही आदित्य जी यदि आप अपना घर बना रहे हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पिलर फेसिंग। सेकंड पिलर होता है किचन, घर के अंदर। हाँ जी, किचन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उस घर का सारा जो भी खाना बनता है उसको रस कहते हैं, जो भी कुछ आपका रस माने रसायन, जिससे कि आपके पूरे घर के लोग उसको खाना पीना खा रहे हैं और उससे उनको एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल, तो यदि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाएगी तो आपको पॉजिटिव बनाएगी, नेगेटिव जाएगी तो आपको राक्षस बनाएगी। बिल्कुल, नेगेटिव बनाएगी, ये बात क्लियर। तो आपका जो घर का जो किचन है वो हमेशा ईस्ट और साउथ के बीच में जो कोना होता है, कॉर्नर होता है, वहां पर उसको आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण में यदि आप भोजन बना रहे हैं, वो भोजन आपको हमेशा एनर्जी देता है। बिल्कुल, इसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड पिलर। अब आपका आ जाता है थर्ड पिलर। थर्ड पिलर है कि वाटर टैंक और वाटर स्टोरेज कहाँ हो। वैसे तो सब लोग छत पे ही रखते हैं। छत पे रखते हैं, लेकिन कौन सी तरफ रखें, कौन सी साइड में रखें, छत में जो रखते हैं। तो हमेशा जो वाटर टैंक हो, यदि आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बहुत लोग बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लोग टेरेस पे भी अपना टैंक रखते हैं। बिल्कुल सर। तो दोनों की जो स्थिति है, यदि आप उसको ईस्ट और नॉर्थ के बीच में करते हैं जी, या फिर नॉर्थ में रखते हैं, तो वो आपके लिए काफी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और आपको काफी बेहतर होती है, उसमें आपको कोई ड्रेनेज की समस्या नहीं आती है और वाटर भी आपका शुद्ध रहता है। बिल्कुल, तो इसको आप जो इस तरफ रखें। इसके साथ ही हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है जी, वह हमेशा हल्का होना चाहिए। वहां पर हम अपने बच्चों की स्टडी के लिए बनाते हैं, वहां पर थोड़ा खुला वातावरण होना चाहिए, ताकि जो ईस्ट से जो सनलाइट हो हमारे घर के अंदर आराम से आ जाए, नॉर्थ से जो हवाएं आती हैं वो हमारे घर के अंदर, मतलब घर हमारा जो हो हवादार हो और उसके अंदर लाइट
आराम से, उसमें हमें कोई दिन में लाइट जलाने का सहारा नहीं लेना, मतलब रोशनी ज्यादा होनी चाहिए। और हमें जो अपने घर का जो वेट है, माने कि जो वजनदार चीजें हैं, वो हमेशा वेस्ट में हमें रखनी चाहिए जी, है पश्चिम दिशा में, उससे जो है हमारा घर का एक पॉजिटिव बैलेंस बना रहता है। इसके साथ ही जब हम घर में मतलब कि सोने का जो स्थान है, जो हमारा बेड है, तो कभी भी हमें नॉर्थ की तरफ अपना तकिया करके नहीं सोना। इस चीज का यदि हम अपने घर में अच्छी तरीके से अपनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यदि आप सिटी में हैं तो आपके घर का वास्तु काफी बेहतर है। बिल्कुल। यदि आप फैक्ट्री बना रहे हैं तो फैक्ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट है कि साउथ वेस्ट की तरफ आपने जो भारी भरकम आपकी मशीनें हैं वो आपने साउथ वेस्ट में रखी। ऑफिस इत्यादि का जो आपका सारा कॉन्सेप्ट है उसको आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप कीजिए। बिल्कुल। यदि आप दुकान बना रहे हैं तो दुकान के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका जहां पर आप बैठते हैं, जो आपका जो है कि पैसे रखने का जो आपकी सेफ है, अलमीरा है, या फिर जो भी आपने तिजोरी जो भी रखी है, वो जो है हमेशा नॉर्थ में होनी चाहिए और साउथ की तरफ उसको ओपन होना चाहिए। तो ये सारे वास्तु के जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपके दर्शकों के भी होंगे इसमें, तो सारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमारे दर्शकों को, क्योंकि इतना ब्रीफली हमें किसी ने भी गाइड नहीं किया है आज तक, जितना आपने हमें समझाया, हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टेज पे आने के लिए, हमारे दर्शकों को हर एक चीज़ समझाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का, आप हमारे चैनल पर आए और हमसे जुड़े। अगले एपिसोड में हम आपसे किसी नए विषय के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।